बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जितनी अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, उससे कहीं ज्यादा वो खबरों में बनी रहती हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर। बता दें हम सभी को, दीपिका की शादी अभिनेता रणवीर सिंह से बीते साल यानी कि साल 2018 के नवंबर महीने में हुई थी। तो वहीं शादी का एक साल बीत जाने के बाद अब दीपिका के फैंस के बीच उनकी प्रेगनेंसी की अटकलें लगातार ही चलती हुई आ रही हैं। दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर आए दिन तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। और तो और, हाल ही में दीपिका ने फाइनली अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी अफवाह पर चुप्पी तोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कई और बातें भी शेयर की हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने काफी खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बात की। दीपिका ने साफ कर दिया कि वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। दीपिका ने कहा है कि उन्हें बच्चे बेशक चाहिए, लेकिन फिलहाल वो अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए दीपिका कहती हैं, ये काफ़ी अजीब है कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो लोग ये जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं कि आपकी शादी कब हो रही है, और शादी हो गई तो बच्चे कब तक। हम दोनों ही ऐसी अफवाहों को जानकर हैरान नहीं हैं। दीपिका ने आगे ये भी कहा कि हमें बच्चे ज़रूर चाहिए और हम दोनों को ही बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये माता पिता बनने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। पेरेंट्स कब बनना है हमने इसके बारे में भी अभी तक सोचा नहीं है। ऐसे में ये बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर जो भी खबरें उड़ रही थीं वो पूरी तरीके से आधारहीन हैं। दीपिका अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से ही सीक्रेटिव रही हैं। उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी मीडिया से कोई भी बात नहीं की थी। खैर, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि दीपिका के पास इन दोनों फिल्मों की लाइनें लगी हुई हैं। वो अपने पति रणवीर के साथ फिल्म 83 में नजर आने वाली हैं, और इसके अलावा दीपिका फिल्म छपाक में भी नजर आएंगी। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल TV समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।